अभी अभी आप क्या हो आज तक में? न्यूज डायरेक्टर, न्यूज एडिटर हो। अब आपको कोई एंकर बनाकर नीचे भेज दे तो बनोगे क्या? इतनी सादी बात तेरे समझ में नहीं आती, मैं क्या कर सकता हूं भैया। लॉन्ग टर्म में क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस इसी तरीके से बिखरती रही तो क्या आने वाले चुनाव में गुजरात में या फिर नेशनली आम आदमी पार्टी के आपके लिए खतरा बन सकती है? वो भी जनता को तय करना है, विकल्प तय करने का काम जनता का है, मेरा नहीं है ना आपका है। आपने बहुत लोगों में हवा भरने का प्रयास किया आज तक ने, बड़े बड़े आवाज से एंकरों से बुला बुला कर, मगर नहीं भरती हवा भैया ऐसे, तो जनता तय करती। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं नहीं, देश में चुनाव जिताने हराने का काम केवल और केवल जनता ही कर सकती है। किसी भी मीडिया कर्मी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि जा वो चुनाव बना सकता है या बिगाड़। चलो अच्छा, इतना ज्ञान आपको समझ में आ गया है। पर ये है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, छात्रों ने जो नारे लगाए, आप उसे सीधे तौर पे देशद्रोह मानते हैं? जी क्यों? रुक तेरे को बताते, तेरी भैया राहुल, आप इतने बड़े पत्रकार हो, मुझे समझाओ 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था, क्या था जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं क्योंकि नहीं, 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूँ, कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए 9 फरवरी को क्या था की बात की, 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह, अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। आप, मैंने इसमें नारे का सवाल ही नहीं, किसने लगाए किसने नहीं लगाए। अफजल गुरु को इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी दी और देश की सर्वोच्च पंचायत संसद पर हमला करने के आरोप में फांसी दी है। अगर उसकी बरसी मनाने के लिए कोई इकट्ठा होता है तो वो देशद्रोह है, इसमें कोई कंफ्यूजन हमारे मन में पर आ गया। ब्लैक मनी आप कह रहे हैं कि कम हो रहा है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो आपकी मैनेजमेंट रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हूँ। आप 2014 को देखिए, हेडलाइन बनती थी महंगाई, आज महंगाई की चर्चा ही नहीं है पिछले चुनाव में। और आपने किसी कांग्रेसी नेता को पूछा ही नहीं कि भाई 2014 में महंगाई थी अभी नहीं है, आपका क्या कहना है? एक बार भी नहीं पूछा। खैर वो आपकी, हम बहुत सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग ऑपोजिशन के। महंगाई कम हुई ये बात तो कभी नहीं पूछा गया है, क्योंकि जनता के सामने झूठ बोलना उनके लिए बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल है जी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। हकीकत ये है कि ज्यादातर जो नेता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है कि एक बार सीएम जरूर बनना है। आप देश में इस वक्त गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या दिल की किसी गहराई में आपके भीतर भी ये सोच है कि सीएम बनना चाहिए? मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? मैं अच्छा भला काम कर रहा हूं वहां पर, काहे को ये सब नया बखेड़ा शुरू कर दो? वैसे आपके बोलने से बखेड़ा शुरू नहीं होगा, क्योंकि मेरी पार्टी की जनता, पार्टी भी मानती है और जनता भी मानती है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है सर? क्योंकि मैं ही नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? अरे छोड़ो भाई। नहीं, क्योंकि अगर जैसे फर्ज कीजिए आगे चल के, अभी आप क्या हो आज तक में? न्यूज डायरेक्टर, न्यूज एडिटर हो। अब आपको कोई एंकर बनाकर नीचे भेज दे तो बनोगे क्या? इतनी सादी बात तेरे समझ में नहीं आती, मैं क्या कर सकता हूं भैया। गजब बेइज्जती है। क्या आप मानेंगे कि शायद इसको बेटर हैंडल किया जा सकता था, अगर सही वक्त पे सही फीडबैक मिलता तो इतना बड़ा ये आंदोलन नहीं बनता और कोई एक बीच का रास्ता निकल सकता था? हो सकता है राहुल कंवर देश के प्रधानमंत्री होते तो बेटर। नहीं, नहीं, हमारा एक चुनाव गुजरात में हो रहा है, एक चुनाव दिल्ली में हो रहा है, और अब अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा कि गांधीनगर में रहे या फिर दिल्ली में। क्या उलझाया आप लोगों ने कि दोनों चुनाव साथ में करा दो, कि वो सोच ले कि एमसीडी जीतना है या गुजरात पे? तो भाई हम भी दोनों जगह लड़ रहे हैं। तो आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी क्या होती है? उनको भी गुजरात में पार्टी है, हमारी भी गुजरात में पार्टी है, उनकी भी वहाँ पार्टी है, हमारी भी वहाँ पार्टी है। चुनाव तो सब जगह लड़ने पड़ेंगे, वरना तो आप बाद में कहोगे केजरीवाल जी लड़ पाए इसलिए देश की संसद के चुनाव टुकड़ा टुकड़ा कराकर हर महीने करते जाओ क्योंकि केजरीवाल जी लड़ पाए। यार क्या ऐसे थोड़ी ना होता है, चुनाव चुनाव होते हैं, सबने लड़ने पड़ते हैं, अपनी कैडर को लड़ाना पड़ता है।
क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये लोगों को अभी भी एक सवाल आता है दिन में, दिमाग में, हर जगह, कि अगर उस तरह की स्थिति दोबारा कभी खुदा ना खास्ता उत्पन्न होती है तो नरेंद्र मोदी का क्या इस बार रिस्पांस एकदम हम देखेंगे? क्या आप गारंटी लेते हैं कि दोबारा कभी नहीं ऐसा कुछ होगा? आप देश की सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करना चाहते जी, एक काम करोगे? करोगे? मैं राहुल को पूछ रहा हूँ। बोलिए जी, आप कीजिए। आप एक काम कीजिए, 1984 के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, भागलपुर के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, 1969 गुजरात के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, 1992 मुंबई के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, ऑल रिपोर्ट्स आर अवेलेबल एंड गुजरात की जानकारी अवेलेबल है। पांचों का आपको जो ठीक लगे उस पैरामीटर से कंपैरिजन करिए, और उसमें अगर इन बाकी चारों से यहां अच्छी कामगिरी हुई है तो दुनिया को बताओगे? करिए इतना काम, और फिर कोई सवाल है मेरे पास? आप ये जो एक हाइपोथेटिकल सवाल मुझे पूछा कि फिर ऐसा होगा तो मोदी क्या करेगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट तो आपके लिए हर चीज इम्पोर्टेंट होती है, वरना दिल्ली से यहाँ क्यों आते आप? सही बात, आपकी रोजी रोटी उस पर है। पांच कम्युनल वायलेंस का, जिसमें चार कांग्रेस शासन में, एक मोदी का बीजेपी का राज है, उसमें घटना घटने का कारण क्या, घटना के बाद रिस्पॉन्स क्या हुआ, लीगल प्रोसेस क्या हुआ, सारा रिपोर्ट में अवेलेबल है। सिर्फ आप उसको निकाल करके पांचों का कंपैरिजन देश के सामने रख सकते हो? इतना करो ना, आपके सारे सवाल अपने आप निकल जाएंगे। अब मेरा भी ज्यादा लंबा हो रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।